मसीह में आप सभी की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट इरम यकूब और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नामा, जिसमें हम आज मौजूद हैं यहोना आबाद में जीसस विक्ट्री पेंटिकॉस्टल चर्च में। और ये एक ओल्ड एज हाउस है और आज हम इस जगह पर मौजूद हैं और जानेंगे कि इन बुज़ुर्गों के साथ बात करेंगे, इन्होंने यहाँ पर आके इस जगह पर आके क्या बरकत, क्या चीज़ें जो घरों में इजीली नहीं मिल पा रही वो यहाँ पर इन्होंने आकर क्या क्या रिसीव किया, क्या ब्लेसिंग रिसीव की, इन्हीं ही की ज़ुबानी पूछेंगे और जानेंगे। जी आज हम अपने बुज़ुर्गों के साथ मौजूद हैं कि हमारे मसीही जो बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, ये बुज़ुर्ग हैं, मैं इनसे ज़रूर आपको मिलवाना चाहूँगी। ये तबला मैन है, यहाँ के चर्च में तबला बजाते हैं और मैं इनसे ज़रूर पूछना चाहूँगी ये कब से यहाँ पर मौजूद हैं और इनको क्या बरकत मिली हैं। जी आइए हम बातचीत करते हैं अपने बुज़ुर्ग से और उनसे पूछते हैं कि आपने यहाँ पर आके रूहानी क्या बरकत रिसीव की हैं। जी अंकल, क्या नाम है आपका? मजीद मसीह मारा नाम है। बाबा तोतीशा से हम मशहूर हैं, तो हमने खुदा की नेमतें बहुत हासिल की हैं इधर से। पहले तो हम जैसे कहते हैं एक आदमी नबीना होता है जो खुदा की बात को नहीं जानता। जब खुदा ने हमें रोशनी दी तो खुदावंद का शुक्र है कि हम खुदा की बातों को जानते हैं और खुदा हमसे प्यार करता है, हम खुदा से प्यार करते हैं, क्योंकि खुदावंद कहता है जो मुझे नहीं जानता मैं भी अपने वक्त पे आखूँगा मैं तुझे नहीं जानता। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? मुझे तो बहुत देर हुई है इससे मिलने पास्टर साहब से, लेकिन यहाँ आते हुए थोड़ा सा वक़्त हुआ है। तो लेकिन ये खुदा की मर्ज़ी थी, जब खुदावंद के जिंदा लाही कलाम में लिखा है हर घड़ी का मकूल वक़्त है, जब खुदावंद को मंजूर हुआ तो हम टैच हुए। तो खुदावंद की ये ऐसी मर्ज़ी है कि हम बुज़ुर्गों के साथ मिल के खुदावंद की हमद करते हैं, खुदावंद का जिंदा लाही कलाम सुनते हैं, तो खुदा हमें रोशनी देता है। हम अंधेरे से निकले हुए लोग हैं, जो लोग अंधेरे से फंसे हुए लोग होते हैं वो जब दुनिया से जाते हैं तो उसकी कोई वक़्त नहीं होती खुदा के कागज़ों में। तो जो खुदा को कबूल करता है, पसंद करता है, खुदा के साथ चलता है, खुदा की नज़र में उसकी वक़्त होती है। इसी के साथ हम आप सबको सलाम। जी नाज़रीन, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं जो इस चर्च में रेगुलरली तरीके से आते हैं और मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आपको किसने बताया कि इस चर्च में आने से बुज़ुर्गों की खिदमत हो रही है और उनको हेल्प मुहैया की जा रही है। तो पहले आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम सादिक बख्शी है। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। तो मुझे बताया, मैं तो पादरी साहब को काफ़ी देर से जानता हूँ, लेकिन बस एक इत्तेफाक से आज से 6 माह पहले मैं यहाँ आया, तो यहाँ डेली कलाम सुनाया जाता है। पादर एल्डर साहब कलाम सुनाते हैं, कभी पादर साहब भी सुनाते हैं या कोई और शख्स भी, तब कलाम से मुस्तफीद होते हैं और खुदा हमें ब्लेस करता है। आमीन, खुदावंद आपको इसी तरह ब्लेस करे और इसी तरह आप आते रहें और दूसरों को भी लेके आए ताकि यहाँ से बरकात को रिसीव करें। जी अंकल, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जॉर्ज मसीह है। यहाँ पर कब से आ रहे हैं? 5-6 महीने हो गए इसकी वजह से आ रहा हूँ। अच्छा, अपने भाई की वजह से आ रहे हैं और आपको यहाँ पर आने से क्या बरकत मिली है? गीतों की बरकत मिल रही है, जिंदा कलाम की बरकत मिल रही है। प्रेज द लॉर्ड, ये बहुत अच्छी बात है कि गीतों के वसीला से, कलाम के वसीला से रूहें बच रही हैं और हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं कि खुदावंद इन सभी को इनकी फैमिलीज की वजह से और इस चर्च की वजह से डिवेल्प करे। अभी इस अंकल से बात करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी, ये ब्लाइंड है, देख नहीं सकते और इनसे जानेंगे कि इन्होंने यहाँ पर आकर क्या बरकात को रिसीव किया। जी अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाफत मसीह। आप मुझे ये बताएंगे कि आपको इस जगह का पता किसने बताया? मैं इंज बताया गया मैनू, मैं इन्होंने बड़ी देर तो जानना बिशप साहब उरान, मैं उदो बिल्कुल ठीक सा, मेरी अखा ठीक सी, मेरा कारोबार दर्जियाँ का सी, मैनू इको दम अटैक होया पिछला कड़ा गया नहीं है फादर डे, उदो मैं बड़ा सही सा, मैनू अटैक हो गया दिमाग का तो मेरे दिल का, वजह मेरी रोशनी जाती रही अखा तो। जी ये बहुत ही अफसोस
और दुख भरी बात है। उन्होंने बहुत सी मुश्किलात को फेस किया और बिशप अयूब साहब को सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने बहुत से बुज़ुर्गों को इस जगह पर दावत दी है कि वो आएँ और इस जगह पर तहफ़ुज़ पाएँ, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी तरक्की करें। ये उन सभी का हम ये जो जितने बुज़ुर्ग यहाँ पर बैठे हैं अपने बिशप साहब का बहुत ही थैंक्सफुल हैं और सभी एक ज़ोरदार नारा लगाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह की जय, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हम सभी मसीही मौजूद हैं जिन्होंने बहुत सी बरकात को हासिल किया है और ये बरकात हमारी नज़र आती हैं हमें, और मैं इन सभी बुज़ुर्गों से मिलकर बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर आके सभी यहाँ पर बहुत स्माइली फेस के साथ बैठे हुए हैं और इनके साथ और बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। मेरा घर कल्ला प्यार ही हूँ बाजी, बेड़े मेरे काम से चले जाते ही, नौ मेरी घर होंगी सी, मैंने पूछ के मैं क्या जी मैं कल्ला बड़ा परेशान हूँ, मैं इतों का पता लगा, मैं इतने आया इतने दुआ करनी शुरू हो गया। मैनू फिर एल्डर साहब ने बिशप साहब मौका देंदे दुआ का, मैं दुआ करना, यस्सू ने मैनू चुनिया सी, उन्हें कहा जाओ गैर कौमों में जाओ, जाओ जाके शिगिरद बनाओ कौमां नू, अपनी इबादत करो, अपना नाम लो मसीह दा, यस्सू मेरा जिंदा आ। किंदी आज भी दुनिया में कबर खाली है, कितने आए कबर में रह गए और तो स्वाद दुनिया से कोई भी नहीं। उन्हें कहा जाओ कलीसिया बने, किवें बूसा दी कलीसिया बनी, कलीसिया साड़ी है, अही यस्सू दा नाम लैने ते झुकने उहदे कदमां विच, वो सानू हर शह मैया करता आ, साडा बिशप साहब बहुत अच्छा बंदा आ, इहदे नाल दा मैं बंदा नहीं वेख्या दुनिया ते, बिशप मुहब्बत करता साडे नाल, हर शह मैया करता, जो कहिए वह शह मैया करता, यस्सू इहनां नू बरकत दवे, खुदा इहनां दे साथ होवे। आमीन आमीन आमीन। आइए अपने एक और बुजुर्गा से बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने इधर आकर क्या बरकतें पाई। जी आंटी क्या नाम है आपका? मेरा बेटे परवीन है। माँ जी आप किधर से आई हैं यहाँ पर? हम यूनाबाद से आए हैं और इधर ही हम यूनाबाद में रहते हैं। और आप कहती हैं कि मतलब कि मेरी कोई औलाद नहीं है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हाँ जी हमारे औलाद नहीं है। और आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? हमें हो गए हैं 2-3 महीने आते को। 2-3 महीने हो गए, और आप मुझे ये बताएंगे कि आपको यहाँ पर कितने टाइम का खाना दिया जाता है? हमें हम तो सुबह का नहीं खाते, हम सिर्फ खाली दोपहर के हम खा के जाते हैं। अच्छा, दोपहर का खाना आप लोगों को यहाँ पर मिलता है? ना हम सुबह का खाते हैं ना शाम का, क्योंकि हमारा घर दूर है ना, हम दोपहर के टाइम फारग होते हैं, हम दोपहर के टाइम। आप मुझे ये बताएं कि आप जब से आप यहाँ पर आ रही हैं आपने क्या बरकतें हासिल की हैं? शुक्र है खुदा का, लख लख के मेरे मियाँ को शिफा हो गया, खूब उसको नज़र नहीं आता था, बहुत शुक्र है लख लख, बहुत प्रेज द लॉर्ड। ये वो बता रही हैं कि इनके हस्बैंड को नज़र नहीं था आता, जब से वो इस जगह पर आ रही हैं, इस चर्च में आ रही हैं, खुदावंद ने इतनी ब्लेसिंग दी है कि इनकी बिनाई जो है वो वापस आ रही है। तो ये सारा इज़्ज़त और जलाल हमारे खुदावंद को है। इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन को इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।